देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास बूफर आया हुआ है। देख सकते हैं कितना बेस्ट लुकिंग है दोस्तों, जिसमें कि देख सकते हो एक दो टूट रहे, इसमें एक यहाँ पे 8 इंची का धमक है, यानी कि सब बूफर होता है। देख सकते हो, अब इसमें लाइट दोस्तों दे दिया, हम देख सकते हैं मोट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें धमक नहीं चल रहा है। कस्टमर कहना है चलते चलते धमक बंद हो गया। अब इसको चेक करता हूँ, क्यों एक ट्यूटर चल रहा है और दूसरा ट्यूटर नहीं चल रहा है। ये वाला चल रहा है, ये नहीं चल रहा है दोस्तों। अब इसको खोल के देखता हूँ दोस्तों, देख सकते हो 8 इंची में है। देख सकते हो ये कंपनी का नाम भी देख सकते हो दोस्तों, पेचे पेच होता है ताकि कहीं से हवा ना निकले, हवा निकलेगा धमक सही नहीं बनता है। अब इसको खोलता हूँ दोस्तों और देखता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं, आपको खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। इसका नट दोस्तों खोलता हूँ, हमारे पास नए नए चीज़ दोस्तों, रिपेयरिंग का दुकान है, नए नए चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। बस वीडियो आप देखते रहे और उसको भगाए नहीं, तो भगाने में मज़ा नहीं आता है। उस तरह कुछ समझ में आता है, उस तरह कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा तो यही राय है किसी का वीडियो देखो, पूरा देखो वीडियो, ताकि उस तरह सुबह से लाख तक पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। जब भी दोस्तों नोट खोले तो हिसाब से रखना पड़ता है ना। पापा ने खोल दिया दोस्तों इसका नट, देख सकते हो यही 4.1 का है। ये 3 एम्पियर में ट्रांसफार्मर होता है, जो कि 4.2 के लिए आईसी के लिए होता है। 3 एम्पियर का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, 3 एम्पियर का ही डालें, 12.12 का होता है दोस्तों। देख सकते हो इसकी आईसी लगी हुई है, देख सकते हो दोस्तों, जो कि बुरी तरह से जला पड़ा है। 1, 2, 3 आईसी दोस्तों इसका फूका पड़ा है। आईसी का नंबर होता है दोस्तों 20-30, देख रहे हो पूरा बुरी तरह से फूका पड़ा है। ये फूकने का वजह यही है कि दोस्तों इसमें 8 इंची का सब बूफर है, देख सकते हो 8 इंची का है, आप देख सकते हो 8 इंची का बूफर है दोस्तों। इसको चलाने का यही तरीका है, तो गाने के हिसाब से इसमें धमक खोले, जितना धमक समझ में आ रहा है उतना ही खोले, बास जो जिसको बोलते हैं, अन्यथा ये पत्ती जो होती है हीट होकर और आईसी शॉर्ट हो जाता है दोस्तों। तो आवाज़ के हिसाब से इसमें गाने आवाज़ धमक के हिसाब से इसमें आवाज़ खोलोगे तो आईसी जल्दी ख़राब नहीं होता। अब इसके जगह पर दोस्तों ये 20-30 है, लेकिन अब मैं 20-50 डालूंगा, 8 इंच सब बूफर के लिए 20-50 बेस्ट रहता है दोस्तों। और सिंपल पर 20-30 डालूंगा, ये दो बस ओके हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो अब इसको चालू करके देखना, देखता हूँ, देख सकते हो इसकी आईसी बदल के देखूंगा दोस्तों कितना बुरी हला सब फूका है। बस आप धमक कम कर चलाए, आईसी कभी नहीं उड़ेगा दोस्तों, देख सकते हो। वो ऐसा था, वो ऐसे ऐसे बटन लग रहा है, आवाज कम करने का और चुपचाप गालने का प्लेट देख रहे हैं, वहां मिल जाएगी ना, तो वो बोल रहे हैं है। एक सिम ले दो, फोन से कनेक्ट होकर बूफर मचा ले, वहां तो मिल जाएगी छोटी सी वो दे दो, जब बोल रहे हो तो वो उसके लिए इस जैसा बूफर पे चलेगा, जैसे ये है ना बूफर। हाँ पता है, बस दे दो, दिखा दो कैसा। कोई नहीं दिखा सकता, Thank you.
छोटे छोटे छेड़िए नहीं अंकल, ऐसा इस तरह का सिस्टम नहीं। देख सकते हो दोस्तों, अपने प्लेट खोल रखे हैं, देख सकते हैं खोल दिए हैं। अब आईसी का तरीका निकालने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये नट खोल लो, ये कसा हुआ है, खोल के बाहर निकालो, आईसी को थोड़ी पड़ी साइड इसे पकड़ के और आयरन से पीछे लगाएं। ये देख सकते हो जला पड़ा है उनके बुरी हरा से, तो जल्दी आसानी से निकल सकता है दोस्तों। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको आईसी से दोस्तों, इसको हम इसको खोल लेंगे चारों पूरा, तीन आईसी इसका बुरा पड़ा है, और खोल लेंगे नट इसका। अब यार ढीला कर देंगे थोड़ी आईसी को और पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद यहाँ कर देंगे तो निकलता रहेगा दोस्तों। तो आईसी निकल गया है, बहुत आसानी से निकल जाता है, बोलिए बोली बात नहीं। तो करेंगे आयरन रख बात याद है, बस टेक नहीं टूटना चाहिए। देखो निकल गया दूसरी, और तीसरी में दोस्तों ऐसे ही निकालना है सेम इस तरह। क्या है, टाइम ही नहीं लगता और जल्दी से निकल भी जाता है दोस्तों। देख सकते हो तीनों ऐसे निकल गई। देख सकते हैं ये तीन ऐसे हमने निकाल के रख दिया, जो कि बुरी हालात से फूका पड़ा, देख भी सकते हो। ये ज़्यादा धमक देने की वजह से दोस्तों फूक जाता है, जब भी चलाए धमक कम करके चलाए, गाने के हिसाब से चलाओगे बुफर जल्दी ख़राब से नहीं होता। देख सकते हो आईसी आपने निकाल दिया, इसका प्रिंट भी जला पड़ा है, देख सकते हो। अब इसमें नई आईसी डालूंगा दोस्तों, जब भी दोस्तों निकालें आईसी को साफ सफाई से बिल्कुल निकालना चाहिए, ताकि ट्रैक ना टूटे। ट्रैक टूट जाता है तो फिर दोस्तों मज़ा नहीं आता है काम करने का। देख सकते हो मैं कितना अच्छे तरह से आईसी का ट्रैक निकाल रहा हूँ, जो लगा हुआ है, ट्रैक उखड़नी नहीं चाहिए दोस्तों, उखड़ जाता है तो फिर समस्या हो जाता है। अपने पास दोस्तों कई तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, मैं हर चीज़ रिपेयरिंग करता हूँ, बस एक LED टीवी छुड़ा के, बाकी CRT टीवी, डेक, बूफर, प्रेस, पंखा, कूलर, अपने पास इस तरह का रिपेयरिंग है। दोस्तों मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, यूपी 20 तारीख को जाऊंगा, टिकट है दोस्तों। अब आपको कई दिन तक इस तरह का इलेक्ट्रिक वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 1 महीने के बाद आऊंगा घर से, फिर आपको पंखे का और भी कई तरह का सिस्टम दिखाऊंगा दोस्तों। अपन ने आईसी निकाल दिया बिल्कुल, अब बढ़िया से देख सकते हो, ट्रैक भी नहीं टूटा है, इतनी बिल्कुल साफ सुथरा से निकाल रखा है, देख भी सकते हो। जब भी काम करें साफ सुथरा से करें, ताकि और कहीं ले जाए तो उसको भी पता ना चले कि आईसी बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ, ऐसे काम करने का कोशिश करें दोस्तों। देख सकते हो एक भी ट्रैक नहीं टूटा पड़ा है दोस्तों, आपको बारीकी से दिखा देता हूं एक बार, देख सकते हैं एक भी ट्रैक दोस्तों टूटा नहीं हुआ है कहीं से भी, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रैक निकाला हुआ है, देख सकते हो। इसमें दोस्तों आईसी लगाएंगे 2050 और 2030, टूटर के लिए 2030 सही रहता है दोस्तों, और बास के लिए जो 8 इंची का धमक इसमें स्पीकर डाल रखा है उसके लिए दोस्तों 2050 आईसी डालें, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों। कभी भी रिपेयरिंग करें 2050 ही आईसी डालें दोस्तों, फिर कंप्लेंट नहीं आता बुफर में, उसका गारंटी भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आता दोस्तों। देख सकते हो
मेरे पास ऐसे एक खजाना आ गया है, अब इसमें ढूंढता हूँ 20, 50 और 20 दोस्तों, देख सकते हो, देख सकते हैं इसमें ऐसी नियारी भरी है, देख सकते हैं। ये हमारे पास टीवी का माइक्रो स्विच होता है दोस्तों, देख सकते हैं ये बड़ी वाली माइक्रो स्विच है, देख सकते हो। ये हमारे पास पीएफ होता है दोस्तों, ये हमारे पास आईआर है जो कि रिमोट में लगता है, आईआर एलईडी के नाम से बोलते हैं, जो रिमोट का सेंसर काम करता है वो है। ये दोस्तों 1K का रेजिस्टेंस है, जो कि 1.5 वोल्ट के लाइट पे, जैसे ये लाइट दिख रहा है इसके ऊपर लगा के 12 वोल्ट 8 वोल्ट देते हैं दोस्तों, ख़राब नहीं होता ये लगाने से, एलईडी लाइट ख़राब नहीं होता दोस्तों। मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि नए नए चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों, पूरा बारीकी से वीडियो देखते रहे। अब इसमें 20-30 दोस्तों ढूंढूंगा और 20-50 ऐसे ढूंढूंगा, कौन सा है कौन सा नहीं आपको ढूंढ कर दोस्तों बताता हूँ। हमारे पास दोस्तों ऐसे मिल गए, उसको रख देते हैं डब्बे को, ये देख सकते हो अपने न्यू आइस निकाल लिया, अब इसको डालेंगे दोस्तों, देख भी सकते हो। डालने का दोस्तों यही तरीका है, पहले सारे नट को खोल के इसमें अच्छा से इसमें लगा देंगे, लगा के पहले नट खींच देंगे दोस्तों, अपने आईसी डाल दिए, देख सकते हो आईसी पड़ी है न्यू आईसी, देख सकते हो पहले जला हुआ था और नया डाल दिया तीनों, देख सकते हो। और इसमें दोस्तों हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे, हीट सिंक पेस्ट लगा देंगे दोस्तों, ये देख सकते हो हीट सिंक पेस्ट है, ये दोस्तों हीट सिंक पेस्ट होता है जो कि आईसी को थोड़ी ठंडा रखता है, ये हीट सिंक पेस्ट होता है। अब इसको लगा देंगे और नट को खींच देंगे दोस्तों, आप भी इसी तरह रिपेयरिंग करें दोस्तों, सही रहता है, तो फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये अपना पर्सनल वीडियो है, क्योंकि हम तो काम जानते हैं तो फेक बनाने से अपना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सब्सक्राइबर करे चाहे ना करे उसे कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, अपने को बस काम से मतलब है, बंदे सही है तो देखेगा सोचेगा तो अगला जो सब्सक्राइबर भी करेगा, अगर अच्छा लगेगा तो, ना लगेगा तो सब्सक्राइबर ना करे बस दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर बस करे, ज्ञान बढ़ता है दोस्तों नए वीडियो देखने से। अब देख सकते हो अपन हिस्टिंग पेस्ट लगा दिए दोस्तों, हिस्टिंग पेस्ट बस लगाए, इससे क्या है कि आईसी गर्म नहीं होता दोस्तों, गर्म तो होता है लेकिन उतना रहता अच्छा एक रिस्पॉन्स रहता है जिससे दोस्तों। अब देख सकते हैं नट लगा देंगे, नट दोस्तों अच्छी तरह से खींचे, ढीला ना छोड़े, अगर नट ढीला हो रहा है कसते कसते तो दूसरा नट को डाल दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों अपन हीट सिंक पेस्ट लगा दिए, देख भी सकते हो जो सफ़ेद सा कलर लिक्विड दिख रहा है ये हीट सिंक पेस्ट होता है जो कि आईसी पर लगा होता है, इससे सही रहता है दोस्तों। अब आईसी को दोस्तों टाका मार देंगे, ये पहले पेस्ट लगाएंगे दोस्तों, जब भी टाका मारे ये पेस्ट अवश्य लगाए ताकि सही तरीके से चपक जाता है, ऐसे लूजिंग नहीं आता,
अब बिल्कुल साफ सफाई से काम करने का कोशिश करें दोस्तों। देख सकते हो अपन टाका मार रहे हैं। ठीक है भाई, क्या बना रहे हैं? वीडियो बना रहे भाई, टाइम ही अच्छा चल रही है रिकॉर्डिंग। भाई शेयर करो और फुल शेयर करो, पूरा पूरा वीडियो देखे दोस्तों। भगाए नहीं, भगाने से कोई फायदा नहीं होता। लंबी वीडियो होती है तो उसमें ज्ञान मिलता है, छोटी वीडियो में रहता है तो उसमें मजा मिलता है दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो देखे बड़ी लंबी वीडियो को, जितने बड़ी वीडियो देखोगे उससे ज्ञान बढ़ेगा, जितने छोटी वीडियो देखोगे उससे मज़ा मिलता है दोस्तों। मज़ा से कोई फायदा नहीं, ज्ञान से बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों साफ सफाई से टाका मारना, क्योंकि साफ सफाई में अच्छा मिस्त्री का अनुभव होता है दोस्तों। मिस्त्री वो नहीं जो कैसे कैसे ट्रे को फाड़ के तोड़ दे, तो मिस्त्री नहीं होता दोस्तों, वो नौछिटिया होते हैं जो सीख के और दुकान खोल लिए दोस्तों, उससे कोई फायदा नहीं होता। जब भी टाका उखाड़े और जब भी टाका मारे दोस्तों साफ सफाई से मारे, ताकि अपने आप को भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, ये बस करना। ये दोस्तों ट्रैक जल गया, ऐसे जलने की वजह से उस पर जम्पर लगाना पड़ेगा दोस्तों, बाकी उतना नहीं सही है, लगा देंगे। जम्पर लगाएंगे तो लोड पे चलता है सभी दोस्तों, ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं जम्पर लगा रहा हूँ दोस्तों। साफ सफाई से जम्पर लगाऊंगा, और एक एक आईसी के प्रिंट को साफ कर देंगे दोस्तों बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखेंगे कि आपस में एक दूसरे से टच ना हो, अलग होना चाहिए दोस्तों। जब भी बनाए प्रिंट को हमेशा ध्यान दें, ताकि एक दूसरे पे सटा हुआ ना हो, नहीं तो इस तरह क्या है दोस्तों आईसी उड़ जाएगा दो मिनट में, क्योंकि -12 वोल्ट +12 वोल्ट और माइनस वोल्ट पर चलता है दोस्तों, 3 सप्लाई पर चलता है। ये 12 का ट्रांसफार्मर लगता है 3 एम्पियर में। अगर 4 IC डली हो तो 3 IC डली हो तो दोस्तों 2.5 के भी 2 के भी चल जाता है। देख सकते हो दोस्तों अपने IC साफ सुथरे से डाल दिए, देख सकते हो कोई दिक्कत भी नहीं है, अब बिल्कुल साफ सुथरा है दोस्तों। IC अपने बदल दिए, अब इसको चला कर देखते हैं दोस्तों, और कोई दिक्कत तो नहीं है। देख सकते हो चारों आई, 2-3 IC नहीं डलेगी, देख सकते हो। ये दोस्तों 54-08 की 54-08 की है दोस्तों, डेड होता है। जिस साइड सिल्वर निशान दिखता है उस साइड पॉजिटिव होता है दोस्तों। ये होता है कैपेसिटर, देख सकते हो 22 35 वोल्ट ठीक है लगभग। ये भी ये दोस्तों काले वाला दिख रहा है 78.05 होता है दोस्तों, जो 12 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट लेके और 5 वोल्ट निकालता है, जो कि अपने BT प्लेट के लिए जाता है दोस्तों। और ये होता है दोस्तों ये IC होती है जो 55-58 है दोस्तों, देख सकते हो 45-58 दोस्तों, जो कि बास ट्रेवल के लिए अच्छा काम करता है, बना रखा है इस पर बास के लिए और ट्रेवल के लिए IC काम करता है दोस्तों। 55-58 45-58 देख सकते हो। अगर आपको कभी
मदरबोर्ड जल जाए तो इस तरह का देख सकते हो। रेजिस्टेंस का भी मैं दिखा सकता हूँ कहाँ कौन सा कलर लगा है, दोस्तों देख लो बारीकी से ताकि आगे के लिए काम भी आ जाए आपके लिए। अब मैं दोस्तों इसमें लाइट दे देखता हूँ क्या कहता है क्या नहीं कहता है दोस्तों। अब इसमें लाइट दे दिए दोस्तों, देख सकते हो ब्लूटूथ मोस्ट आ गया दोस्तों। एक बार और बंद करके चालू करके देखता हूँ धमक में इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्लूटूथ मेल तो दोस्तों आ गया है आवाज़ धमक में भी, यानी कि ऐसे ही दोस्तों इसका मेन प्रॉब्लम था। जब भी दोस्तों फिर दोबारा कर रहा हूँ, जब भी चलाए 8 इंच के सब ऊपर लगा हो जिसमें उसको धमक चलाए गाने के हिसाब से, अन्यथा दोबारा ऐसे फूक जाएगा दोस्तों। देख सकते हो अपन ने बना दिए दोस्तों, फर्स्ट क्लास के रेडी कर रखा है प्लेट को। देख सकते हो ये हवा निकलने के लिए होता है, देख सकते हो इसमें लाइट आ गया है दोस्तों। अब बिल्कुल बन गया, तैयार हो गया है ये हमारा, वो ऊपर चलने के लिए रेडी है दोस्तों। और जब भी दोस्तों बनाए सीरीज लाइट में बस जले बनाए, देख सकते हो सीरीज लाइट बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा। अगर यही ग्लो करता तो समझो कि आईसी के अलावा और भी कई चीज़ें ख़राब हो सकता है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल प्यार से बनाए और इस वायर से लाए। जय श्री राम दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर अवश्य करें और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि आगे को भी पता चल जाए कि ये हम बना रखे हैं। देख सकते हैं फर्स्ट क्लास के बोर्ड दोस्तों, 4.2 आईसी है दोस्तों, जो कि 2 स्पीकर के लिए, 2 धमक के लिए, 8 इंच के लिए। जय श्री राम दोस्तों।